नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जाली रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। तो दोस्तों इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों आज हम इस एपिसोड के अंदर बात करेंगे क्वार्ट्ज स्टोन, इसे रॉक स्टोन भी बोलते हैं। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। अगर इसको प्रॉपरली एक ही शब्द के अंदर बताया जाए तो ये सेमी उपरतन है। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपने अभी तक रतन सुने हैं, उपरतन सुने हैं, उसके बाद भी एक सेमी आते हैं, यानी कि ये तीसरी श्रेणी के पत्थर हैं। अब है तो ये तीसरी श्रेणी के, लेकिन क्या ज्योतिष के अंदर, रत्नों के संसार के अंदर इनके बेनिफिट्स, इनके आपको लाभ, इनके फायदे हैं या नहीं है? तो इस एपिसोड के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग बताने की पूरी कोशिश की जाएगी, बताया जाएगा कि वाकई अगर ये काम करते हैं तो किस लेवल तक काम करते हैं। इसके नुकसान तो नहीं है, यह भी बहुत जरूरी चीज है। एपिसोड को स्टार्ट करते हैं तो मैं दो चीजें आपको बता देना चाहता हूं। अभी ये जो एपिसोड देख रहे हैं इनमें से कुछ ऐसे बंदे हैं जो ट्रेवलर्स हैं, मोस्टली उनकी लाइफ ट्रेवलिंग के अंदर ही गुजरी है। कभी किस शहर, कभी किस देश, कभी कहीं किसी होटल, कभी कहां पे, तो उन्होंने ये पत्थर जरूर देखे होंगे होटल की लॉबीज के अंदर। 50-50 केजी के, 100-100 केजी के ये क्वार्ट्ज स्टोन जो हैं, ये रॉक स्टोन जो हैं, ये मोस्टली देखने को मिल जाते हैं। मैंने सबसे पहले, मैं अपनी बात भी कर लूं, मैंने सिंगापुर में 2004 में एक पत्थर देखा था, वो भी रॉक और क्वार्ट्ज के अंदर ही था। वो 150 यानी 150 केजी का पत्थर था, वो था रोज क्वार्ट्स। उन्होंने लॉबी में रखा हुआ था और बहुत ही बेहतरीन उसका अपना लस्टर, उसका कलर था। एनी हाउ, अब हम बात करेंगे कि जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स के अंदर रॉक आते हैं तीसरी श्रेणी के अंदर, इनके बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों इसके अंदर मोस्टली देखने को मिलता है 17 कलर्स, 17 टाइप्स के कलर्स अवेलेबल होते हैं। कुदरत है, नेचर है, इसे बनाती हैं। हजारों लाखों साल धरती के नीचे तपते हैं, मिलते हैं, तब जाकर हमें इनकी वैल्यू, तब जाकर हमें इनका बेनिफिट, तब जाकर हमें पता लगता है कि वाकई में ये हमारी जिंदगी के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या राशियों के अनुसार अपने घर पे रखने चाहिए? देखिए ये पहनने वाले पत्थर तो नहीं है ना, मोस्टली जो वास्तु करते हैं होटल्स का है, घर का है, वो ये वाले पत्थर जरूर रखवाएंगे। रेकी वाले भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो रेकी करते हैं उसे, वो इस पत्थरों के ऊपर हीलिंग करते हैं। हीलिंग मतलब उनकी एक अपनी बॉडी की एनर्जी होती है और वो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो यहाँ पे ओपनली नहीं बताई जा सकती। तो बात कर रहे हैं इनके बेनिफिट्स क्या हैं, बात कर रहे हैं कैसे, कब, कौन राशि वाले, कौन से नक्षत्र वाले इन्हें अपने घर, अपने लॉबी, अपने होटल में रख सकते हैं। तो दोस्तों स्पेसिफिकली बोला जाता है, मैंने अभी बताया 17 तरह के ये क्वार्ट्स आते हैं। रोज क्वार्ट्स एक नाम है, इसी तरह 17 प्रकार के रॉक पत्थर और क्वार्ट्स आते हैं। अब इन्हें कौन कौन अपने घर में, ऑफिस में रख सकता है, तो मैं जानकारी दे दूं, ये जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स के अंदर ये जो पत्थर हैं, ये बरकत के लिए, घर में कला क्लेश खत्म करने के लिए, अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं उसके लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आपके घर के अंदर हर प्रकार की नेगेटिविटी को बाहर निकालने में ये सक्षम है। ये पत्थर, इनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। अगर आप इन्हें हील करके प्रॉपरली इनकी जो दिशा है वहां पे इन्हें रख दिया जाए तो मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अब एक और चीज यहां पे क्लियर कर देता हूं,
कि देखिए ये सारे पत्थर एक स्टैंडर्ड पैरामीटर वेट के ऊपर नहीं आते, कोई 5 kg का है, कोई 10 का है, कोई 100 का है, कोई कितने का, अलग अलग है, कुदरत है तो अलग अलग है, ना इन्हें तराशा जाता है, ना इन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ काटा जाएगा, कुछ है ही नहीं ऐसा, जो निकला है वही आपके पास है। अब मोस्टली मैंने बताया है ये जो पत्थर होते हैं इन्हें रखने की कुछ अपनी डायरेक्शंस हैं, कलर्स के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से इन पत्थरों को घर पे स्थापित किया जाता है, ऑफिस में स्थापित किया जाता है, होटल्स की लॉबी में इन्हें रखा जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिसमें जो ये काम कर रहे हैं लोग बिजनेस में किसी प्रकार का कोई लॉस ना उठाना पड़े। इन पत्थरों को हर एक महीने दो महीने बाद आपको इसके डस्ट भी साफ करना पड़ेगा, पानी से इसको धोना भी पड़ेगा, और एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, अगर जब भी इसे आपने धोना है साफ करना है तो हल्का सा सॉल्ट उस पानी के अंदर डाल लें ताकि उसकी एनर्जी और बढ़ जाए और बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। अब मैंने बात करा था राशियां कौन सी इसे रख सकती हैं, कौन से ऐसे नक्षत्र हैं, कौन से लग्न हैं, तो यहां पे कुछ स्पेसिफिक ये नहीं होता कि ये वाले बंदे नहीं रख सकते हैं, ये वाले रख सकते हैं, हर प्रकार, जैसे नवरत्न के ऊपर हर एक बंदे का अपना हक है, जैसे 9 नगीने हैं दोस्तों, 9 नगीनों के ऊपर ये तो नहीं बोला जाता, हाँ कुछ राशियां हैं, कुछ होरोस्कोप के अनुसार तो है ही है, लेकिन इनके अंदर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी और बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, एक दिशा कौन सी है और दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है। अगर इन दो चीजों का हमने ख्याल रख लिया तो ये पत्थर हमें बहुत ज्यादा फायदा देंगे। अब कॉस्ट की तरफ चलते हैं कि ये क्या बहुत ही महंगे होते हैं या बहुत ही सस्ते होते हैं, तो ये बहुत महंगे नहीं है मैं आपको बता दूं, हाँ कोई अपना रेट बीच में ऐड करके अपने हिसाब से कुछ बोल दे मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये मोस्ट एक्सपेंसिव पत्थरों के अंदर नहीं आते, तीसरी श्रेणी है तो जाहिर सी बात है उसमें ये चीजें नहीं होंगी, और एक रीजनेबल रेट के ऊपर आपको अवेलेबिलिटी इसकी मिल जाती है। दोस्तों क्वार्ट्स और ये जो मैंने आपको बताया है रॉक, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो हीलिंग थेरेपी से जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं, वो अपने घर के अंदर मंदिर में भी ये रख सकते हैं, वो अपने टेंपल के अंदर भी इसे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स से, गैलेक्सी से बहुत जबरदस्त एनर्जी कैच करता है, ये वो एनर्जी कैच करेगा और आपके बॉडी के आसपास जो स्पिरिचुअली अपने आप को किसी प्रकार का कुछ भी कर रहे हैं तो उनको एक ओरा मंडल, आभा मंडल मिल जाएगा और उनकी जो जर्नी है बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज और भी मैं यहां पे जोड़ दूं, इसके अंदर भी बहुत सारे चाइनीज पत्थर आए हुए हैं, नकली फेक आए हुए हैं, इसका भी एक लैब टेस्टेड होता है, यह भी जरूरी मैं आपको बता दूं, यह नहीं है कि इसका लैब नहीं होता, इसका भी लैब होता है। अगर आपने ऐसा मन बना लिया है कि आपने ये पत्थर को रखना है घर पे, ऑफिस में रखना है, कहीं पे भी आपने रखना है, फैक्ट्री में रखना है, दुकान में रखना है, तो कोशिश करें ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड ही लें, और एक एक्सपर्ट की राय साथ में जुड़ जाएगी तो बहुत बेनिफिट, बहुत लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आया मजा, ये जो पूरा एपिसोड आपने देखा है, जब भी रत्न लेना है तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है ताकि जिंदगी के अंदर जो रत्न है आपको बहुत ज्यादा फायदा दे पाए। एक चीज मैं और साथ में जोड़ देना चाहता हूं, जिन लोगों ने प्लास्टिक सिंथेटिक के रत्न डाले हुए हैं वो भी कोशिश करें आज से उतार दें, क्योंकि उसका कारण मैं बता रहा हूं दोस्तों, फिर से सुनिएगा, सिंथेटिक हो, प्लास्टिक हो, नकली चाइनीज रत्न हो, आपकी बॉडी का जो चक्र है उसे बंद कर देगा, नेगेटिविटी फैला देगा, घर से बरकत उठ जाएगी, पैसा धन दौलत खत्म होना शुरू हो जाएगा और क्लेश आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और मैं यहां पर फिर से बता दूं, ऐसी कोई भी चीजें मैं तो कभी नहीं चाहूंगा किसी के साथ हो, तो कोशिश करिए ओरिजिनल लैब टेस्टेड ये जो मैंने टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करिए ताकि रत्न आपको बहुत ज्यादा फायदा दें।
तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आपको करना क्या पड़ेगा, सिर्फ देखिएगा ये नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो नंबर है जो आपकी वाकई बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कहीं पे भी हो, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में आने की जरूरत नहीं है। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, और आपको प्रोसीजर आ जाएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा, हमारी पेड सर्विसेज हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप पामिस्ट्री द्वारा दोनों हाथों की लकीरों की फोटो, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, हस्तरेखाओं द्वारा भी जान सकते हैं कौन सा रत्न, कौन से उपाय आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बने हैं। तो दोस्तों बिल्कुल देरी ना करें, अभी के अभी इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और आपको प्रोसीजर आएगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल TV चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो चैनल है, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करिएगा ताकि पुराने जितने भी एपिसोड हैं जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको सारे के सारे शो हो जाएं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।